भूल कर भी इस प्रोडक्ट को मत खरीदिएगा, इतना बकवास ये प्रोडक्ट है। अगर आपने इस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैं पूरी पोल खोलूंगा डिजिटेक की। स्वागत करता हूं आपका एक और बार अपने यूट्यूब चैनल घूमते पापा में। तो दोस्तों आज तक आपने अपने काफ़ी वीडियो देखी होगी मेरी अनबॉक्सिंग की, पर ये जो अनबॉक्सिंग है दोस्तों डिजिटेक की तरफ से ये प्रोडक्ट आता है, सबसे बकवास ये प्रोडक्ट है दोस्तों, भूल कर भी इसे मत लीजिएगा। क्योंकि मैं भी औरों की वीडियो देख के इस जाल में फंस चुका हूँ और ये महंगे भी इतने हैं। जो मैं अभी माइक यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये बोया का है, बोया का 3 गुना ज़्यादा इसका प्राइस है। पूरी इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि क्यों आपको ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, कैसी इसमें दिक्कत आ रही है, क्या क्या इनकी पॉलिसी है। आप किसी भी साइट से इसको खरीदोगे दोस्तों आपकी मनी वेस्ट जाएगी, क्योंकि क्या क्या इसमें मिलता है आपको दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बॉक्स में आपको मिलेंगे 2 मैनुअल, एक कार्ड है इंस्टॉलेशन गाइड जिसमें आपको लिखा होगा कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको माइक्रोफोन ट्रांसमीटर और माइक्रोफोन की डिटेल दिखी है, क्या क्या इसमें आपको मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, सब इसमें डिटेल लिखी है, कैसे कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कितने इसमें ट्रांसमीटर है। तो इसे आपको इसमें अंदर एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है जिसमें आपको डिजिटेक की ब्रांडिंग दिख रही है। कुशन को हटाते हैं साइड और देखिए ये रहा हमारा बॉक्स डिजिटेक का जिसमें हमारे 2 ट्रांसमीटर। तो ओपन करते हैं दोस्तों बॉक्स को। वाह दोस्तों जो क्वालिटी वाइज है दोस्तों बॉक्स की वो बहुत प्यारी है। देखिए ये रहा हमारा डिजिटेक ब्रांडिंग के साथ मिलता है हमारे को ये ट्रांसमीटर, और इसकी आप देख सकते हैं ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है। यही इसका चार्जिंग केस भी है दोस्तों, और ये रहा इसके साथ रिसीवर, रिसीवर की क्वालिटी भी अच्छी है और इसका चार्जिंग का स्लॉट। तो ये रहा दोस्तों इसका छोटा बॉक्स जिसमें है आपको देख सकते हो एक्सेसरी में भी इन्होंने फ्रॉड किया गया है। ये देखिए आपको हेडफोन देखने को मिल रहे हैं और सामने देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे आपको डाटा केबल। तो दोस्तों ओपन करते हैं इसमें, देखते हैं आपको क्या मिलता है। तो दोस्तों इसमें एक पाउच मिला है जो डिजिटेक ब्रांडिंग के साथ आता है, और इसमें कुछ सामान है, इसे हम निकालेंगे। इस पाउच में मिलते हैं दोस्तों हमको 2 विंड मफ, और विंड मफ की हम क्वालिटी चेक करते हैं कैसे हैं ये। वाह दोस्तों विंड मफ की जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो यह है 2 विंड मफ। तो इसे रखते हैं साइड, और ये इसके साथ एक डाटा केबल मिलती है दोस्तों। आपने बॉक्स में उस वीडियो में आपको हेडफोन भी दिखा रहे थे कि इसके साथ हेडफोन भी मिलते हैं ताकि आप चेक कर सके आपकी वॉइस क्लियरिटी कैसी आ रही है। तो इसके साथ मुझे कुछ नहीं मिला। सुन रहे हो दोस्तों ये है डिजिटेक का जो ट्रांसमीटर है, उसकी हेल्प से सुन रहे हो। DWM-103 जो माइक है उसकी हेल्प से आप क्लियरिटी देख सकते हो कैसी इसकी क्वालिटी आ रही है। तो अभी मैं थोड़ी देर चुप रहूंगा, देखते हैं क्या ये एनवायरमेंट साउंड कैप्चर कर रहा है या नहीं। तो अभी जो दोस्तों मैं इसका ANC मोड ऑफ कर दूंगा, थोड़ी देर आपको येलो बटन प्रेस करके आपको ब्लू लाइट ब्लिंक करते हुए दिखेगी। आप ब्लू लाइट होगी, आपको पता लग चुका है ANC मोड ऑफ हो चुका है, और आपको देखिए नॉइस भी ज़्यादा डिटेक्ट कर रहा होगा ये। अभी थोड़ी देर चुप रहूँगा दोस्तों, इसकी नॉइस खुद की इतनी ज़्यादा है आपको लगेगा कि ये नॉइस कैंसिलेशन करता है, जबकि इनका ये डिजिटेक वालों का सबसे बड़ा फ्रॉड है। देखिए सुनिएगा दोस्तों, इसमें आपको रेडियो टाइप के जूम करके कुछ साउंड आ रही होगी, रेडियो में जैसे आती है ना दोस्तों आवाज़, वैसी आपको इसमें आवाज़ आ रही होगी। तो दोस्तों एनवायरमेंट साउंड है, कुछ भी नहीं आ रही है, मेरा फ़ैन बंद है, सब कुछ बंद है, और कोई नॉइस आपको पता लग जाता है, जो अगर कोई बाहर की नॉइस आती है उसका भी पता लग जाता है दोस्तों। क्योंकि अभी जो नॉइस आ रही थी दोस्तों इसकी, ये अपनी नेचुरल साउंड है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आ रही है। क्योंकि मैंने इनके कस्टमर केयर से भी बात की, वो भी इनका ऐसे ही बोलते हैं कि आप इसे भेज दीजिए, हम इसका सर्विस या रिपेयर करके भेज देंगे। क्योंकि जब दोस्तों मैंने प्रोडक्ट लिए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ, इसकी कम से कम रिटर्न पॉलिसी तो 7 डेज़ की होनी चाहिए, रिप्लेसमेंट होनी चाहिए कम से कम। अगर आप इसे रिटर्न नहीं कर सकते, कम से कम रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। आपको पहले अपने खर्चे पर इसे भेजना होगा, फिर आपको पता नहीं कि वापस आएगा या नहीं आएगा। कॉस्टली होने के बावजूद भी दोस्तों 3500 के ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर है दोस्तों, माइक्रोफोन है ये डिजिटेक का, मुझे तो दोस्तों इनकी सर्विस सबसे बेकार लगी, इनकी पॉलिसीज भी बहुत बेकार है। आशा करता हूँ आप लोग भी इस स्कैम से बचें, और चेक करेंगे दोस्तों इस विंड मफ के साथ कितनी की ये नॉइस डिटेक्शन कम करता है। मफ को लगाना बहुत ईजी है, देखिए आप जैसे इस विंड मफ को लोगे इसके जो फ्लोर्स है उसमें लग जाएगा। तो दोस्तों अभी जो ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ANC मोड ऑन है, ग्रीन लाइट आपको इसमें ब्लिंक करती हुई दिख रही है। तो अभी जो आप वॉइस क्लियरिटी देख रहे हो कैसी आ रही है मुझे बताइएगा। अभी मैं थोड़ी देर चुप रहूँगा, क्या इसमें दोबारा से रेडियो टाइप साउंड आ रही है। वैसे तो ANC मोड में नहीं आती वो साउंड, जैसे मैं ANC मोड को ऑफ करूँगा तभी वो साउंड आती है। तो आपको दोस्तों पता लग चुका है, मैं ANC मोड ऑफ करता हूँ, ब्लू लाइट ओपन हो चुकी है, और विंड मफ के साथ हम ट्रायल ले रहे हैं क्या अभी भी वो रेडियो टाइप साउंड आएगी या नहीं आएगी, चेक करते हैं थोड़ी देर शांत रहकर। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अभी भी इसने जो ये नॉइस है ख़त्म की होगी, क्योंकि इसकी जो रेडियो टाइप साउंड है इसी में दिक्कत है दोस्तों। मैंने मोबाइल भी 2-3 मोबाइल में चेक करके देख लिया है, मेरे मोबाइल्स में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दिक्कत है दोस्तों डिजिटेक के माइक्रोफोन्स में, क्योंकि इन्होंने ये दिखाने के लिए ये बनाया है कि जैसे ही आप ANC मोड ऑन करते हो तो इसमें आपको कोई नॉइस नहीं मिलेगी। नॉइस आती है दोस्तों अगर आप माइक्रोफोन के साथ सुनोगे तब आपको रेडियो टाइप साउंड वो आएगी। जैसे आप ANC मोड ऑफ करते हो उसके बाद आप देखिए कितनी ज़्यादा, अगर आप मैं चुप भी रहूँगा ना अभी तो देखिएगा आपको कितनी ज़्यादा नॉइस सुनेगी।
तो ऐसी जो नॉइस आती है दोस्तों इसमें से ANC मोड होने के बाद भी, ताकि आपको लगे कि ये ANC मोड पे इतना काम करता है और जैसे ही आप ANC मोड ऑफ करते हो इतना, क्योंकि जब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो उसके बावजूद भी इसमें इतनी साउंड आ रही है। देखिए दोस्तों, जब मैंने पहले दिन मंगाया था उसी दिन इसको टेस्ट किया था, उसी दिन मैंने इसके लिए रिटर्न फाइल किया था, जो कि इनकी साइट में आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने रिटर्न फाइल किया, इनका पेज जो है अपलोड ही नहीं होता है। तो इनके जो कस्टमर केयर सर्विस भी है दोस्तों, इसके लिए कस्टमर सर्विस को फ़ोन किया। आप फ़ोन करोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप कस्टमर एजेंट है, वो ऐसे बात करते हैं जैसे नॉर्मली आप किसी को अननोन नंबर से फ़ोन कर देते हो ना दोस्तों, अगर बात करेंगे हाँ जी बोलिए ऐसा नहीं, रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। पहले आपको ये खुद पार्सल करके इनके एड्रेस पे भेजना पड़ेगा, उसके बाद ये रिपेयर करके भेजते हैं। अभी तक मुझे भी भेजना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास भी कोई अब ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे साथ देख सकते हो कैसी दिक्कत आ रही है। मुझे लगा कि मेरे फ़ोन में दिक्कत है, पर मैंने इसके साथ ही 2-3 फ़ोन में ट्राई किया, सेम जो ये रेडियो टाइप साउंड आती है दोस्तों, मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा। टेस्टिंग देखिए, अभी ये ANC मोड ऑन पे है और इसके बावजूद आप देखिए इसमें कैसी नॉइस आती है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहूँगा तो अच्छी तरह से आपको समझ आएगा कि कैसी इसमें नॉइस आ रही है। अभी ANC मोड के साथ, अभी देखिए ANC मोड ऑफ करूंगा और बिना बोले इसमें ऑटोमेटिक इतनी साउंड आती है कि आपको लगेगा कि ANC मोड पे कितना काम करता है, ताकि आपको लगे कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी ANC मोड ऑफ करता हूँ, ये देखिए ब्लू लाइट आ गई है दोस्तों। इसके बाद आपको देखिए ऑटोमेटिक इतनी ज़्यादा नॉइस कर देगा, आपको लगेगा कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, ANC नॉइस कैंसिलेशन करता है। अब इसकी आप नॉइस सुन सकते हैं कितनी ज़्यादा नॉइस कर रहा है ऑटोमेटिकली। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप भी इस स्कैम से बच सकते हैं। डिजिटेक के कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे दोस्तों, यूट्यूब पे जो इनकी स्पॉन्सर वीडियो है उसे देख के मत लीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैंने देखी सारी स्पॉन्सर है, किसी ने इसकी जो बुराई नहीं, मैंने कोई भी वीडियो इसकी बुराई वाली नहीं देखी, सबने बोला अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, इसी के लिए मैंने ये मंगवा लिया। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर है, भूल कर भी डिजिटेक के इस प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट को नाम मंगवाइए दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।